तो गाइज़ ये इसकी लास्ट मीटिंग का वीडियो है गाइज़, और 10 दिन के बाद इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर का टेबल और उसके बाद वाइट कलर का डिस्चार्ज मुझे दिखाई दिया था गाइज़। देख सकते हो आप 11 डेज पर वाइट डिस्चार्ज दिखाई दिया था। डे 13 डे 15 आज 15वां दिन है इसको लास्ट मीटिंग से। इसको मैंने दलिया और कद्दू उसमें करके दिया है, देख सकते हो। सेवेंटीन डेज प्रेग्नेंट जीएसडी, तो ये कुछ ऐसी दिखती है 17 डेज में। मैंने इसे आप भी खाने को दिया था। डे 18 डे 20 डे 21 21 डे पर कुछ ऐसी दिखाई देती है। डे 22 डे 23 23 दिन हो गए इसको आज, ऐसे दिखती है 23 दिन में। डे 24 24 दिन में कुछ ऐसी दिखती है फीमेल जर्मन शेफर्ड, देख सकते हो स्टेपनी। डे 25 25 दिन में कुछ ऐसी दिखती है। डे 26 26 डे पर कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हो आप। डे 27 27 दिन आज 27 दिन हो गए कुछ ऐसी दिखती है 27 दिनों में, देख सकते हो। डे 28 28 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हो। 28 डेज कंप्लीट हो गए हैं आज। डे 29 29 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हो। यहाँ से पेट खा लिया गया है नीचे थोड़ा, ऊपर से भी देख सकते हो साइड से बढ़ रहा है पेट। डे 30 तो गाइस आप देख सकते हो इसका बैठने का पोजीशन अभी चेंज हो गया है। 30 डेज से ये कुछ ऐसा बैठना शुरू किया है, पैर देख सकते हो आप उसके। डे 31 31 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हो ऊपर से। डे
डे 32, 32 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ से इसका थोड़ा सा पेट इंक्रीज हो गया है, अभी देखिए तो कुछ ऐसी दिखती है। इसका बैठने का पोजीशन भी चेंज हो गया है, देखिए अभी। डे 33 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है जर्मन शेपर्ड फीमेल। डे 33 देख सकते हो। डे 34 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है 34 डेज प्रेग्नेंट जर्मन शेपर्ड, कुछ ऐसी दिखती है। डे 35 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है प्रेग्नेंट जर्मन शेपर्ड 35 डेज। डे 36 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है 36 डेज। डे 37 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है 37 डेज, देख सकते हो 37 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है। डे 38 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हो 38 डेज। डे 39 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है 39 डेज, देख सकते हो आप 39 डेज पर, देख सकते हो इधर। डे 40 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है 40 डेज कंप्लीट होने के बाद, देख सकते हो शायद अभी इसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। डे 41 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है 41 डेज। डे 42 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हो 42 डेज ऐसी दिखती है। डे 43 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है फीमेल जर्मन शेपर्ड, देख सकते हो गाइस। स्टेप न्यूट इकड़े स्टे कुछ ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो। डे 44 डेज पर जर्मन शेपर्ड फीमेल कुछ ऐसी दिखती है, बैठने का स्टाइल देखो इसका, स्टेप न्यूट देख सकते हो 44 डेज। जर्मन शेपर्ड फीमेल डे 45 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है, स्टेपनी कुट देख सकते हो आप 45 डेज पर। डे 46 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है जर्मन शेपर्ड फीमेल 46 डेज, स्टेपनी 46 डेज ऊपर से देख सकते हो, साइड से भी देख सकते हो। डे 47 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है 47 डेज ऊपर से देखते हो, ज़्यादा बच्चे नहीं है लगता है इसमें, कन से है भी या नहीं पता नहीं है। डे 48 डेज पर कुछ इस तरह की दिखती है, देख सकते हो। डे 49 डेज पर कुछ ऐसी दिखती है 49 डेज फिफ्टी डेज पर कुछ ऐसी दिखती है।
देख सकते हो 50 days, 50 दिन पर। फिफ्टी वन डेज, प्रेग्नेंट जर्मन शेफर्ड, डे 51। डे 52, 52 days, प्रेग्नेंट जर्मन शेफर्ड। डे 53, 53 days पर जर्मन शेफर्ड कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हो 53 days। डे 54, 54 days, प्रेग्नेंट जर्मन शेफर्ड कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हो। अब एक कंफर्म प्रेग्नेंट है गाइस, मुझे पता चल गया है, प्रेग्नेंट जर्मन शेफर्ड। डे 55, 55 days पर कुछ ऐसी दिखती है स्टेफनी। डे 56, 56 days पर कुछ ऐसी दिखती है जर्मन शेफर्ड फीमेल, ऊपर से देख सकते हैं। डे 57, 57 days पर कुछ ऐसी दिखती है जर्मन शेफर्ड, 57 days। डे 58, 58 days पर कुछ ऐसी दिखती है। डे 59, आज 59 दिन हो गए इसको, कुछ ऐसी दिखती है 59 दिन में, अभी इसको खाना दिया था मैंने। डे 60, आज इसको 60 days हो गए कंप्लीट, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया है बिहेवियर में अब तो, देखते हैं कितने दिन पर पपीज देते। डे 61, 61 days पर कुछ ऐसी दिखती है जर्मन शेफर्ड। डे 62, 62 days पर कुछ ऐसी दिखती है स्टेफनी, स्टेफनी। डे 63, 63 days पर कुछ ऐसी दिखती है, 63 days। फाइनली 63 days पर अचानक से डिलीवरी कर दी है गाइस फीमेल ने, तो देख सकते हो आप 3 पपीज हो गए हैं।